मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। की कारण हो गया लोग तो हक च प्रचार करने के लिए गड्डियां ते झंडियां लगाउंदे ने, बैनर लगाउंदे ने, पोस्टर लगाउंदे ने, पर तुसी खिलाफ लगाई बैठे हो 64 करोड़ वजीफा चोर दस रहे हो साधु सिंह धर्मसोत। एक कल्ले कल्ले बच्चे बच्चे नूं पंजाब दा शायद कोई वो बच्चा होवे जिन्होंने गल ना पता होवे भी इन्हें 64 करोड़ खादा। इन्हें मेरे ते 2 झूठे परचे हुण तक साधु करवा चुके हैं। इन्हां ने मेरा इन्ना नुकसान करता, मैं 3 वकील करी बैठा, एक नाभे कोर्ट दे विच, एक पटियाला कोर्ट दे विच, एक हाई कोर्ट दे विच। लोगों ने पैरीं हत्थ भी लाए भी इस बंदे नूं वोटां पाओ, पर लोगों ने जद भी बहुत ने कहा सीगा भी ये बंदा भरोसेयोग नहीं हैगा, पर असीं ने फिर भी इस दे उत्ते भरोसा अपना भरोसा दिखाया, इसनूं जिताया, पिंड चों लीड दवाई। जबकि ये साढ़े पिंड चों कदे अज तक साधु सिंह नूं लीड नहीं सी मिली वोटां चों, असीं ने लीड दवाई, पर इसने साढ़े ही सानू ये डंग मारिया। ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤ ਖਨੌੜਾ ने साधु सिंह ਨੂੰ ਉਹ टाइम मदद की, ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ, ਮਰੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਮਐਲਏ ਦੀ पहली लड़ाई ਤਾਂ ਮਹੰਤ ने लड़ाई, टोटली पैसा खर्चा महंत ने खर्चा। साधु सिंह ਦਾ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਤੀ ਕੋਈ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਚਾਰ ਤੀ, ਨਚਾਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਨੱਚਦਾ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਾਜਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਰ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਭੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿੱਲੇ ਲੱਗੇ ਵੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ, WhatsApp ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਮਹੰਤ ਖਨੌੜਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਵੱਡੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ ਜੀ, ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਤੀਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਤੇ ਤੇ ਜੀ ਉਹਦੀਆਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ, ਮੈਂ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਵਾਣਾ। गल करांगे विधान सभा चोणा 2022 की, जिसनों लैके सियासी अखाड़ा है जिहड़ा पूरी तरह भख चुके है, माहौल पूरा गर्म आ। अज असीं खड़े हाँ नाभा ब्लाक का पिंड आ रामपुर सईयेवाल। सईयेवाल दे विच एक गड्डी दिखा रहा तुहानूं, गड्डी दे उत्ते एक पोस्टर लगे 64 करोड़ी वजीफा चोर झूठे परचे करवाउण वाला साधु। ये पोस्टर आ तुसीं जिहड़ा देख रहे हो, ये गड्डी दे उपर लगे है। इस तरह का पोस्टर एक बैक शीशे ते भी लगे। ये पोस्टर लगाउण दा की कारण आ वो भी गल करांगे। नौजवान ने इत्थे साडे नाल जिन्हां ने पोस्टर लगाया है वीर आ, उहदे नाल करदे आ गल। हाँ जी वीर जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। नाम है जी? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। नाम है जी अपना? मेरा नाम सुखजिंदर सिंह है जी। सुखजिंदर सिंह जी, की कारण हो गया लोग तो हक च प्रचार करने के लिए गड्डियां ते झंडियां लगाउंदे ने, बैनर लगाउंदे ने, पोस्टर लगाउंदे ने, पर तुसीं खिलाफ लगाई बैठे हो 64 करोड़ वजीफा चोर दस रहे हो साधु सिंह धर्मसोत नूं। देखो जी, ये तो रियलिटी है। एक बच्चे बच्चे नूं पता भी इसने बंदे ने 64 करोड़ का गरीब बच्चों का पैसा खादा। एक कल्ले कल्ले बच्चे बच्चे नूं पंजाब दा शायद कोई वो बच्चा होवे जिन्होंने ये गल ना पता होवे भी इन्हें 64 करोड़ खादा। कल्ले कल्ले बच्चे नूं पता ये गल दा भी इन्हें 64 करोड़ रुपया खादा। रही गल दूजी झूठे परचे वाली, इन्हें मेरे ते 2 झूठे परचे हुण तक साधु करवा चुके आ। एक मेरे ते परचा 2 मई नूं होया सीगा। 2 मई नूं परचा करवाया इसने मेरे उत्ते तेजिंदर सिंह बिल्ले नाल रल के। वो परचा एडा इन्ना ज़्यादा हैवी करवाता इन्होंने मेरे ते भी वो जबान तो भी मैनू सैशन कोर्ट तो लेनी पई आ, ठीक है ना। इन्होंने मेरा इन्ना नुकसान करता, मैं 3 वकील करी बैठा, एक नाभे कोर्ट दे विच, एक पटियाला कोर्ट दे विच, एक हाई कोर्ट दे विच। पर पता लग्या कि तुसीं पक्के कांग्रेसी सीगे ते कांग्रेसी वो तुहाडा नुकसान क्यों करनगे? पक्के कांग्रेसी सीगे, लोगों के हत्थ पैर जोड़ के इसनूं वोटां 2017 च साधु सिंह नूं पवाइयां सीगियां। लोगों ने पैरीं हत्थ भी लाए भी इस बंदे नूं वोटां पाओ, पर लोगों ने जद भी बहुत ने कहा सीगा भी ये बंदा भरोसेयोग नहीं हैगा, पर असीं ने फिर भी इस दे उत्ते भरोसा अपना भरोसा दिखाया, इसनूं जिताया, पिंड चों लीड दवाई। जबकि ये साढ़े पिंड चों कदे अज तक साधु सिंह नूं लीड नहीं सी मिली वोटां चों, असीं ने लीड दवाई, पर इसने साढ़े ही सानू ये डंग मारिया। ਹੁਣ ਕੀ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ? ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। असी ने इस बंदे का ही विरोध करना, ये जिथे भी सानू टक्करू इहनूं काली झंडियां दिखावांगे, यही प्रचार करांगे भी ये बंदा इन्ना गलत आ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਈ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਰਕਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲਾ ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੂੰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸਨੇ ਮੇਰੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਸਮਾਧ ਸਾਡੇ ਖਾਕੀ ਰਾਮ ਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੇਮ ਚੱਕ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਵਿਰੋਧ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, उस उल्ट सानू ये गल कही गई कि इक्की दुक्की झंडियां दिखाउंदी रहिंदी आ। अच्छा, मंत्री नूं कोई फर्क नहीं पैंदा, कहंदे इक्की दुक्की झंडियां दिखाउंदी रहिंदी। हाँ हाँ, भी साडे मंत्री नूं कोई फर्क नहीं पैंदा, ये बहुत साडे मंत्री झंडियां दिखाउंदे ने। पर तुसी होर भी पिंडां च नाल रल के रायमल माजरी दे विच भी पता लग्गिया तुसी कालियां झंडियां दिखाइयां ने, उत्थों दे भी कुछ नौजवान सीगे, उत्थे भी पहुंचे हो ते अग्गे भी इदां ही फिर विरोध? हाँ जी हाँ जी, कल रायमल माजरी भी कालियां झंडियां दिखाइयां ने। होर भी जिहड़ा भाई वीर सानू कहूगा भी साडे नाल आके साथ दिओ, असीं ओहदा भी साथ देवांगे। कालियां झंडियां भी असीं आप लेके जावांगे, साडे लवे तैयार कीतीआं ने स्पैशल, जिथे भी कोई भी वीर भाई सानू कहूगा तां उत्थे जाके असीं अपने रोस प्रदर्शन उहनां नाल मोढे नाल मोढा जोड़ के खड़ांगे इस दे खिलाफ। ओहदे च तां बाई जी पोस्टर लगाते तुसीं, हक च किहदे लगाएंगे हो फिर पोस्टर? हक दे विच जो जो जनता नूं वधिया लगूगा उहनूं वोट पाउण, असीं किसी नूं कहंदे भी किसी पार्टी नूं वोट पाओ, पर इस बंदे दा विरोध करना असीं ने, इस बंदे दा विरोध करदे रहांगे, क्योंकि ये भी पता की आ लोकां नूं इकना भी ये जित जूगा, पर इसदी इस बार जमानत भी जब्त होण दे चांस ने पूरे। जिहड़ा पिंडां दे विच्चों रुझान मिल रिहा, असीं भी जाने आ रोज पिंडां 'च, जिहड़ा पिंडां 'चों सानूं पता लग रिहा भी इस बंदे दी जमानत भी जब्त हो सकदी है इस बार। तां कहंदे 20,000 लीड ते जित के ऐतकी कांग्रेस दी झोली फेर सीट नाभे दी पाउणी आ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਤਦਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਟਾਮ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੂਗਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਰਕਰ ਹੋ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਨਾਭੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਧੱਕਾ ਬਹੁਤ ਕਰਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਕਰਿਆ। 304 ਦਾ ਪਰਚਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ। 2017 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਮਹੰਤ ਖਨੌੜਾ ਜੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਜੁੜੇ। ਮਹੰਤ ਕਨੌੜਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਜੇ ਇੱਕ ਬਾਪ ਅੰਦਰ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? 15-16 ਸਾਲ ਦਾ ਲੜਕਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰੂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਰਚਾ ਠੋਕ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਆ ਇਸ ਵਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਕਦੇ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 2-3 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ੇ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਾ ਦੋ, ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਪਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 111 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 1100 ਦਿਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਏ, ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਏ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਤਾਉਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ 3100 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ, 3000 ਇੱਕ ਲਿਆ, 100 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ। ਉਹ ਪਲਾਟ ਕੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਤੇ ਨੇ ਜੀ। 100 ਪਲਾਟ, 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਰੂੜੀ ਵਾਲੇ ਟੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਵੇ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿੰਮ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਰੱਖਤਾ ਵੀ ਲਓ ਜੀ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਰੋਡ, ਉਹ ਐਤਕੀ ਲੋਕ ਟਾਇਲ ਲੱਗੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ ADC ਮੈਡਮ ਤੋਂ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਬਣਨੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਤਜਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾ, ਉਹਨੇ ਜਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਵਾਤਾ। ਅੱਛਾ, सरपंच नाल मिल गया तो उहदे विचों घाट तो इन्होंने बाई जी की दिक्कत सी? दिक्कत तां इह सीगी भी असीं काम करदे हां नाम अपना कमाना चाहते, नाम अपना सी। उत्थे उद्घाटन की फोटो लगी हुई है बकायदा। साधु सिंह धर्मसोत ने उद्घाटन किया, उत्थे सीनियर कांग्रेसी आगू तजिंदर सिंह बिल्ला, बल्कि वो कोई पंचायत मैंबर नहीं, कुछ भी नहीं होता, ना कदे बनिया ना गाहां नूं बनी। कादा विकास? फिर इस बार किस दी सरकार देख रहे हो? असीं वधिया बंदे दी। वधिया कौन लग रहा? किसानां ने भी पार्टी बनाई अपनी। जिहड़ा किसान आ जी वो चलो होऊ बेचारा, उन्होंने ये नहीं पता होना भी किन्ने रेह पैंदे ने कणक च, किन्नियां स्प्रेयां हुंदियां ने, कणक किन्ना बी पैंदा है ना। इत्थों दे जिहड़े किसान वालों लड़ रहे ने ब्रिंदर बिट्टू लड़ रहे ने, ते उन्होंने ये नहीं पता हैगा बेचारे नूं भी जीरी दे विच तेला किहड़े टाइम आंदा, उन्होंने की पता होगा। वो तो एक बस आम पार्टी तो भज्जिया वा बंदा भी मैनूं टिकट नहीं मिली मैं उधरों टिकट लैना। आम पार्टी तो भज्जे जी? हाँ जी आम पार्टी तो। उन्हां दा यूथ दा प्रधान सी जिहड़ा भज्ज के गया, उन्होंने वोट कौन पाऊगा? पर किसान तो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी तो देश विरोधी पार्टी आ, पंजाब विरोधी पार्टी आ, ते आम आदमी पार्टी चो भज्जे वे वर्करां नूं टिकटां दे रहे ने। की लग रहा? मैनूं एक गल दसो जी, आम आदमी पार्टी ने किहड़ा विरोध इहो जिहा करता देश दा? किहड़ा? उहने जदों किसी सत्ता 'च ही नहीं हैगी, उहनां दा एक कल्ला भगवंत मान आ। असीं किसानी अंदोलन 'च गए आ, किसानी अंदोलन 'च 25 तरीक तो लैके असीं सिरे तक निभाया, ठीक है जी। तो उत्थे आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ने पानी दियां टैंकियां सानू बहुत परेशानी आउंदी सी जदों उदों भेजियां। पर इह तां कहंदे ने कि पंजाब दा पानी है जिहड़ा ओह दिल्ली नूं लै जाना, उन्हां ने इत्थों दे थर्मल प्लांट बंद कर देने ने, पराली साड़न तो रोक देना किसानां नूं, इदां दे आरोप ने जिहड़े किसान आगू लगा रहे ने जी। मैनूं एक गल दस्सो जी, कदे पानी उच्चे थां नूं वगिया? उच्चे थां नूं वगिया पानी तां दक्खण कन्नी नूं ही जाऊ, दखण वाला पासा नीमा हुंदा, उधर नूं जाऊ। पर ये कह रहे ने ना, इन्हां दा कहना ही है क्योंकि जिहदे हत्थ दे विचों बटेरा निकलदा ना उहने तो सारा कुछ कहना हुंदा, उहनूं तां अपना पई हुंदी आ भी मैं अपनी जान साहे नूं हुंदा भी मैं अपनी जान बचा के भज्जां, किन्नी क तेज भज सकदा ओ बेचारा, भज के खड्ड 'च वड़ जांदा। इन्हां ने तां अपनी जान बचाउणी आ, इन्हां नूं अपनी कुर्सी दा प्यार आ, इन्हां नूं पाणी पूणी दा कोई प्यार नहीं। जे इन्हां नूं प्यार हुंदा, इन्हां नूं प्यार हुंदा तां अमरिंदर सिंह उत्थे अपने नहर ना कटवाउंदा। मनिंदर सिंह दे राज 'च नहर निकली आ, ओह टक कही दा उन्हीं पहला लाया सी। जे कह रहे ने असीं पंजाब दे हक्कां लई, पंजाब दे लोकां लई एक साल दिल्ली दीआं सरहदां ते बैठे आ, खेती कानून रद्द करवाए ने, नहीं तां आटा बाई जी अज नूं 100 रुपए किलो मिलदा। बाई जी किहड़ा बंदा बैठिआ? गुरकीरत कोटली, ओह अपने गुरकीरत कोटली आ गया एक, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ है ना, ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜਿਆ ਉੱਥੋਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ ਉਹ। कित्थे बैठिया डिंपा बैठिया, कित्थे बैठे ने? एक किसान कह रहे हैं कि जिहड़े किसान आगू ने जिन्होंने हुण अपने लीडर खड़ाए ने ना, अपने अहुदेदार ने जिहड़े नाभे तो जिवें ब्रिंदर बिट्टू खड़ा होर खड़े ने, कहिंदे असीं पंजाब दा भला करांगे, पंजाब नूं बहुत माड़े हालात चों कढिआ, असीं किस कानून रद्द करवा। जिहड़ा दविंਦਰ ਬਿੱਟੂ आ ਇਹ ਸ਼ਾਂਦਰ ਬਿੱਟੂ ਜੀ, ਹਾਂ ਬ੍ਰਿੰਦਰ ਬਿੱਟੂ, ਬਿੱਟੂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਉਹ? ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂਡ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੱਛਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੀਂਹ ਨੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਕ ਵੀ पोस्ट तो मैं जाता जाता पा देना भी मैं जी ਚੱਲਿਆ ਉੱਥੇ ਨੂੰ, मैं चाहे अपने ਕੰਮ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵਾਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ मैं एक ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਬੇਟਾ। देखो वीर जी मजदूर तो मैं भी हाँ, चाहे मैं खेतीबाड़ी करदा, ठीक है, मजदूर का बेटा, ठीक है, असीं मन्नदे आं भी वो मजदूर का बेटा, वो अकाली दल नाल रिश्तेदारियां ने। मक्खण सिंह लाल का आम आदमी पार्टी च आ गए, उन्होंने भी कुछ देख के ही आए होणगे। भी पर वो तो कहते आम आदमी पार्टी, बिट्टू कह रहा है कि बहुत देश विरोधी पार्टी आ, इहने पंजाब नूं बहुत खराब करना। तुसीं आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहे हो, लग रहा इस बार तुसीं सपोर्ट आ जिहड़ी आम आदमी पार्टी नूं करें। मांगे जी वधिया बंदे ने एक बारी मौका देना चाहिए, 5 साल वास्ते, 5 साल वास्ते मौका दिता ना, जे उन्होंने गलत काम कराया चाहे वह देव मान आ चाहे वह भगवंत मान आ, असीं उहनूं भी थल्ले लाहांगे। पर साधु सिंह के खिलाफ बोल रहे हो, वो अगे भी कहते रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वाले या अकाली दल वाले मेरे खिलाफ ये लोगों को खड़े कर देने, थोड़े तो भी टैग बाई जी आम आदमी पार्टी का लग जाना है। टैग जिहदा मर्जी ला लेना, मैं साधु सिंह दे नाल नाभे दीयां तस्वीरां बिल्ले लगे वे सारा कुछ तुहानूं दे सकदा। साधु सिंह नाल थोड़ियां तस्वीरां हैगियां ने, सारा कुछ मैं कहना जी, सारा कुछ दे सकदे हो सानूं, WhatsApp कर दिओ बाई। मैं कहना कर सकदे जी, महंत खनौड़ा जी दे नाल सारा कुछ। असीं लाडी शेरों वाले दी जीवनी चोण होई सी जिथे कैप्टन अमरिंदर बस 'च कंपेन करदा सी, ठीक आ, बस दे विच लोकां नूं मिलदा जांदा सी। साधु सिंह साडे लवों चढ़िआ, की गल असीं कांग्रेसी दी कि असीं आम पार्टी दे ती उत्थे भागे ती, जिहड़े पूरे सारे प्रूफ ने जी, फोटोआं ने, सारा कुछ। कांग्रेस के हक च प्रचार करते हर एक मैं कहना प्रूफ है जी मैं जी। इस बार आम आदमी पार्टी वाले रुझान है ज़्यादा, असी अपना काम कोई नहीं लेना ना साडा काम वो कर सकना, साडा खेती का की काम करनगे, रेह दवाइयां असी अपनी आप पाउणियां ने, असी ने तो सिर्फ अपने बच्चों के भविष्य वास्ते वधिया बंदे का सानू दे मन वधिया लग्या, कोई करप्ट नहीं, कोई उहदे उत्ते करप्शन का चार्ज नहीं, कोई भगवंत मान ते नहीं कै बारी MP रह लिया, हो दो बारी रह लिया ना, उहदे ते 1 रुपये का भी दाग लबा के दस देने भी हाँ आ दाग आ लाउण भी आ दाग आ असीं छड्ड के परां हो जांगे जी जी। धन्नवाद जी। होर भी वीर ने, हाँ जी की नाम है जी? बेअंत सिंह जी। बेअंत सिंह जी की कारण रहा थोड़ी गड्डी लगी दिखती है उत्थे, गड्डी दे उपर खड़ के तुसीं साधु सिंह धर्मसोत के खिलाफ नारेबाजी करते हो जो नाभे के विधायक ने, की कारण रहा? कारण भी जी असीं कांग्रेस नाल जुड़े हुए सीगे, बेअंत सिंह खरौड़ साडे मल्ला कांग्रेस वर्कर ने पिंड दे, उन्हां नाल जुड़े हुए सी ते साडे ते परचे होण कारण झूठे असीं उन्हां तों खफा हो के तां इह सानूं विरोध करना पै गया। भाई जी परचे झूठे क्यों कराए तुसीं? ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਆ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਬਣਦੀ ਸਹੂਲਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਸਾਧੂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲਾ कि उदों खिलाफ हो के मैं चल नहीं सकता, जिमें वो कहूगा असी उवें करांगे। हुण फिर की लग रहा इस बार किधर रुझान है ज़्यादा? साडा ही देमान कनी। हाँ जी जी। हाँ जी वीर जी की नाम है जी? मैं बेअंत सिंह जी, पंचायत मैंबर पिंड रामपुर साईयेवाल। बेअंत सिंह जी की कारण रहा जिहड़ा किसी टाइम पता लगता सीगा कि बेअंत सिंह ने कांग्रेस मैन सीगे, कांग्रेस दे नाल चलदे सीगे, कांग्रेस लई प्रचार करदे सी, पर अज कांग्रेस के खिलाफ कालियां झंडियां चक के खड़ते हैं बेअंत सिंह? मैं वीर जी 25 साल तो कांग्रेस के नाल रहा, साडे हलके दे विच बहुत बड़े लीडर जथेदार गुरचरण सिंह टौड़ा सी, जदों कि वो कांग्रेस का पोलिंग भी नहीं लगन देते झंडियां ला के लै जाते तो उन्होंने समर्थक जी, असीं उस टाइम विच पोलिंग बूथ कांग्रेस की कीती आ, पर अज शर्म आउंदी है जी क्योंकि 25 साल दे विच कांग्रेस जिहड़ा कल 1 रुपये वाली ते अज करोड़ां रुपये का वर्कर बन गया जी। वो MLA जिहड़ा एक टाइम वो सी जदों उन्होंने महंत खनौड़ा जी ने इलैक्शन लड़ाया सी हलका मलोह तो जी, किन्हां जी साधु सिंह धर्मसोत नूं जी, महंत खनौड़ा जी ने इलैक्शन लड़ाया सीगा जी। हाँ जी वो यूथ प्रधान सी जी ते उन्हां नूं टिकट दित्ती सी, उन्हां दे कहे तो साधु सिंह नूं उन्हां ने अपना कैंडीडेट बना के हल्के दे विच तारिया सी जी पहली बार। हाँ जी उन्हां दी मरूती गड्डी दे विच सारी उन्हें कंपेन कीती, जो भी खर्चा परचा होया वो सारा महंत बाबा जी ने कीता जी, इन्हां दा जिहड़ा इन्हां ने कीता। उस तो बाद पहलां तां इह बाजां विच नचदे हुंदे सी, नचार हुंदे सी जी, नचार सीगे जी। हाँ जी हाँ पेशे वल्लों नचार सी जे साधु सिंह। हाँ जिहड़े अपने पहले बाजे हुंदे ती हुण तां आ गए बैंड वाले, पहलां नोकल बाजे हुंदे ते उहदे विच 2 नचार हुंदे ती, एक दो पीपनी वाला जी, उन्हां विच इह मुंदरी नचार इहनूं कहंदे सी जद जी। अच्छा जी। हाँ जी वड्डे आरोप लगा रहे हो, कोई प्रूफ हैगा? सच्चाई आ जी, प्रूफ सच्चाई हुंदा जी, प्रैक्टिकल। अज एक बंदा पेशे वजों जो भी काम करता वह औकात नहीं जाती, वो तो उही रहिंदा। अज पहलां वो नचार सी, हुण पब्लिक नूं नचार बनाई फिरदा, अज पब्लिक नूं नचार रहा। अच्छा जी पब्लिक ताहा मारदी है जी। फिर ये राजनीति च किद्दां आ गए जे बाजे च काम करदे सीगे, राजनीति च किद्दां आ गए? हलका मलोह दी रिजर्व सीट सी, रिजर्व सीट दे उत्ते महंत बाबा जी का पूरा दबदबा सी जी, उन्होंने अपने तौर पर इन्हों राजनीति च लिया, अज उन्होंने भी लत्त मार गई। फिर इस बार किस दी सरकार चाहुंदे हो तुसीं? सरकार जो भी आवे निरपक्ष ते वधिया, जो वधिया इंसान आ उसनूं वोटिंग करन दा अधिकार आ, उसनूं ही करांगे जी। पर साधु सिंह कहते हैं कि विकास बहुत होया, चरणजीत सिंह चन्नी भी कह रहे हैं तुसीं कांग्रेस मैन हो के कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हो, चन्नी साहब तो कहते 111 दिन 1100 दिन जिन्ना काम करता। अज कांग्रेसी कहाउण वक्त भी शर्म आउंदी है जी, 25 साल इन्हों दे के खराब किते ने जी। चन्नी साहब कागजां च कांग्रेस कही जाते ने पर ईरखाबाजी हुआ, कोई इदां दा है नहीं ग्रुप उन्हां कोल जी। की लग रहा है वो कहिंदे असीं आम घरां चों आम लोकां च विचरदे आ, मंजे भी बुणदे रहे आ, टैंट भी लाउंदे रहे आ, स्पीकर लाउंदे रहे आ, रिक्शा भी चलाउंदे रहे आ, की लग रहा है? एक MLA तो बाद एक मुख्यमंत्री की रेस दे बंदा हो आम व्यक्ति नहीं हो सकता जी। आम व्यक्ति वो ने जो दिहाड़ी करते हैं जिन्होंने एक टाइम की रोटी नहीं जुड़ती जी, वो आम व्यक्ति ने, वो तो अज एक प्रोफेशनल बंदे ने जी, आम कितने नहीं। कांग्रेस की हाईकमान कह रही है कि कांग्रेस ने तो जिहड़े लोग करप्ट सीगे उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाता, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोई काम नहीं किया उन्होंने बाहर करता, साधु सिंह धर्मसोत कैबिनेट मंत्री सीगे कैबिनेट दे अहुदे तो लाता पर टिकट तो उन्होंने फिर भी दे दी अहुदे तो लाता। की लग रहा है उतों उन्नियां गल्लां देख के संतुष्ट नहीं होए कांग्रेसी वर्कर? सब तो बड़ा तो जी कांग्रेस का जिहड़ा भ्रिष्टाचार का जाड़ा वो एक साधु सिंह धर्मसोत 64 करोड़ बच्चों का वजीफा करदा, वो तो कहते क्लीन चिट मिल गई। क्लीन चिट देने वाले भी कांग्रेस है जी, लेने वाली भी कांग्रेस है। हुण जिहड़े वर्कर ने वो भी MLA भी उन्होंने ते मुख्य मंत्री भी उन्होंने दी, उन्होंने नहीं देनी ते उन्होंने वो तो बाद जो भी पंजाब नूं कच्चे घरां दे पैसे आए अज एक पिंड विच वग जो जे किते भी कांग्रेस ने रुपया दिता होवे वो सारे साधु सिंह खा गए जी। वो फिर किस आधार पर कह रहे हैं कि क्लीन चिट मिल गई है? तो जिहड़े लोग ने विरोधी धिरां ने जिहड़ियां आरोप लगा रही ने क्लीन चिट देने वाले भी उही ने जी, ते विरोधी ने तो सच्चाई ने विरोध करना जी। तो विरोध का भी पता लग्या कहते गड्डी भी हर जगह पहुँच जाती है, रैमल माजरी दे विच भी पहुँची है विरोध करने के लिए कालियां झंडियां लैके, तो साधु सिंह दा इदां ही विरोध होऊगा बाई? असीं बाई जी 150 पिंड दे विच जिथे भी साडी लोड़ पऊगी असीं जावांगे, उस दा विरोध करांगे क्योंकि असीं दुखी करके उन्हें कांग्रेस चों भजाया, असीं छड्डी नहीं छड़ाई गए तो कांग्रेस। हाई कमान तक पहुँच करते सरबर लगे ने जिहड़े उन्होंने दसदे बई बाई जी इत्थे टिकट ना दित्ती जाए, कांग्रेसी वर्कर ने जिहड़े टुट रहे हैं, जे साधु सिंह नूं टिकट मिलदी आ पहुँच नहीं कीती गई सरबर तक। बाई जी मीटिंगां कीतियां सरबर तक भी होईयां, सारे पिंडां विच होईयां, नाभा ब्लाक दियां होईयां। हुण पता नहीं पार्टी ने की देख के टिकट दित्ती इहनूं, भी पता नहीं तो यह चाहती थी भी ऐतकी लोग इनू जान पिंडा दे विच भी हरा के 5 वारी 4 वारी MLA बने ने, 1 वारी ये बलवंत साहपुर तो हारे ने। उन्होंने ये देखा भी इत्थे दो वधिया कैंडीडेट है नहीं, सब तो घटिया कैंडीडेट ये आ मेरे हिसाब नाल। तो की लग रहा है कि सरकार फिर आम दी बनूगी? जो भी सरकार बनूगी असीं उहदे नाल समर्थन, आम आदमी बने चाहे कोई भी बने, जानी वधिया व्यक्ति एक जिहड़ा MLA आ वो एक निरपक्ष होना चाहिए, वो हर एक व्यक्ति की सुने ना कि एक बंदे नूं पिंड बेचे जी। जी धन्नवाद जी। सो ये सन विचार जी पिंड रामपुर सहीवाल के जिहड़े वसनीक ने उन्होंने विचार ने। इन्होंने दस्सिया कि कैबिनेट मंत्री ने जिहड़े साबका साधु सिंह धर्मसोत उन्होंने ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘਾਣ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਏ। ਕੁਝ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਦੇ ਆਰੋਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਨਾਭੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਦੱਸੂਗਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਕੌਣ ਹਾਰਦਾ ਏ, ਤਾਂ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ। ਮੈਨੂੰ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਵਾਣਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।